अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। सॉरी ना, तुझ पे सूट ही नहीं करता से। साथ में घटिया एक्सक्यूज दे दी कि तू तो सुबह उठ गई थी, लेकिन आज तेरी वो चौल की लिफ्ट खराब हो। नहीं, एक इडियट मुझे वेकअप कॉल देना भूल गया। कल करे वेकअप कॉल, मैं कल तेरे को बताया ना मेरा बैलेंस खत्म हो गया। तो भरवा ना, इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी में काम करता है और बैलेंस खत्म। एयर कॉलिंग तो मुझे दहेज में मिला ना। मैडम अकाउंटेंट हूँ, ओनर नहीं। एक तो साला पूरा प्रीपेड तुझसे बात करने में खत्म हो जाता है, एक्स्ट्रा भरवा। और तेरी उस माँ की में एक एक क्या बोला? अरे वो मुंह से निकल गया। क्या बोला? अरे तेरी परम पूज्य माता श्री के चक्कर में एक एक पैसा बचा रहा मैं। सुन, अब तेरा भजन भी सुनू। बस कुछ भी बोलो, आई को बीच में लाओगे है ना? नहीं, एक काम करते श्री, उस छोटी सी शर्त के चक्कर में ना हम ये खाना पीना फोन वोन सब बंद कर देते। मुंबई में अपना घर, वो भी खुद का, या खोली का मैं आधा डिपॉजिट नहीं दे पा रहा।
खैर छोड़, तुझे बता के क्या फायदा? हाँ मुझे बता के क्या फायदा, मुझे तो कोई फिक्र ही नहीं ना हमारे घर की, नहीं तुम्हारे घर की। मेरा तो घर होगा ही नहीं ना, वो मेरा क्या है, तू जाएगा कोई और आएगा, मैं तो यही हूँ। बिल्कुल, और जो आएगा ना वो इससे बेटर ही होगा, लाइक मी। बैठ बैठ। अरे क्या चाहिए सासू माँ को, वन रूम किचन ना, अपने पास 1 BHK है, इससे बेटर जॉब है, और ये देख बस की वेट में खड़ा, अपने पास गाड़ी है, अपनी 800 धक्का मार। और सुन मेरी फूलन देवी लेट होगी ना तो मेरे प्यार का तो नहीं पता, लेकिन मेरे हिस्से की मार तू जरूर खाएगा। सुना? नहीं नहीं नहीं, निकलते हैं, बाय लूजर। बाय। सॉरी सॉरी साहब, माफ करना, वो साइकिल वाला गया था साहब। हाँ ठीक है ठीक है सर, माफ ठीक करना। ठीक है ठीक है, जाओ। Information of the subject. Yes, Mr. Randhawa. Confirm. He is the man. Shree. May I come in, ma'am? Come in. Thank you. Good morning, ma'am. मैम आज बहुत अच्छी लग रही हैं आप। कांदिवली 3rd zone की रिपोर्ट तैयार है मैम, और 4th और 5th की बस भी 20 मिनट में तैयार हो जाएगी। एक्चुअली ब्रांच से रिपोर्ट लेट आई, वरना मैं तो पहले ही खत्म। श्री सर तुमसे मिलना चाहते हैं। सर कौन सर? मैम ए कॉलिंग के ओनर मिस्टर रंधावा। मैम मिस्टर रंधावा मुझसे? शाम को 8 बजे यहां पहुंच जाना। मिस्टर रंधावा, ऑलरेडी 8 जिंदगियां दांव पर लग गई हैं, अब एक और। आई थिंक वी शुड स्टॉप दिस। आई एग्री जयराज। यार अगर हमारा काम होना होता तो अब तक हो चुका होता। Being a commissioner, I should save lives. और यहां
ओके, नो प्रॉब्लम, बट डोंट यू थिंक जब कोई बड़ा काम किया जाता है तो उसे पूरा करने में छोटी मोटी कुर्बानियां देनी पड़ती है? राइट मिस्टर रंधावा, बड़े कामों में कुर्बानियां दी जाती हैं, ली नहीं जाती, लेकिन कुर्बान वो होता है जो होना चाहता है, वो नहीं जिसे पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है, और यहां तो हमें ही नहीं पता कि उसके साथ क्या होने वाला है। यू नो प्रोफेसर, दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? किसी काम के लिए कुर्बानी देना, नहीं, किसी काम के लिए किसी दूसरे से कुर्बानी दिलवाना। आई अग्री, एट टाइम्स वी हैव नॉट बीन सक्सेसफुल एंड श्री इज आवर नाइन्थ ऑप्शन, बट श्री इज नॉट जस्ट द नाइन्थ ऑप्शन, ही इज आवर लास्ट ऑप्शन। सो लेट्स मीट श्री, द लास्ट ऑप्शन। श्रीना, श्रीना जायसवाल, मिस्टर रंधावा बिजनेस मैनेजर। तुम हमारी एयर कॉलिंग की किसी ब्रांच में काम करते हो, राइट? जी मैम, मलाड, एज एन अकाउंटेंट। एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, तुमने अभी अभी ज्वाइन किया है, 10 या 12 दिन? टुडे इज माई 13th। एंड हाउ मच यू गेट देयर? जी 12,700। और इससे पहले कहाँ काम करते थे? स्टेपिंग स्टोन, इट्स अ स्मॉल फाइनेंस कंपनी। और वहाँ कितना मिलता था तुम्हें? जी 6,500। See, that's the big difference between us and the others. कहाँ 12,700 और कहाँ 6,500? हम जानते हैं कौन किस काबिल है, कौन क्या डिजर्व करता है, और तुम तो बहुत कुछ डिजर्व करते हो श्री। तुम डिजर्व करते हो एक 4 BHK बैंड्रम कंपनी की तरफ से, तुम डिजर्व करते हो एक BMW कंपनी की तरफ से, अ पोस्ट लाइक एयर कॉलिंग मुंबई हेड, एन एनुअल पैकेज ऑफ 70 to 80 lakhs, और ये सब तुम्हें मिलने वाला है श्री। जी मैम, ये सब मुझे मिलने वाला है? मिलने वाला नहीं, मिल सकता है। सिट। श्री, अक्सर लोग इसी कश्मकश में खत्म हो जाते हैं कि उन्हें क्या मिलने वाला है, ये नहीं जानते कि उन्हें क्या मिल सकता है, और तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है, बिकॉज यू आर द चोजन वन। $10,00,000, यह तुम्हारी पहली इंस्टॉलमेंट है, 2 दिन बाद तुम्हें 10,00,000 और मिलेंगे, और उसके बाद वो डील जो शीला ने तुम्हें अभी बताई। सर, मुझे करना क्या है? कुछ खास नहीं, बस अपनी जिंदगी के 12 घंटे हमें देने हैं, उन 12 घंटों के तुम्हें 20,00,000 रुपए मिलेंगे। आज 7 तारीख है, 9 तारीख को 7 बजे सुबह आना, 12 घंटे देना और 10,00,000 और ले जाना, क्लियर? 12 घंटों में मुझे क्या करना है? बेबी सिटिंग। जी श्री, अगर 12 घंटों के लिए तुम्हें 20,00,000 रुपए मिल रहे हैं तो यकीनन काम कुछ ऐसा होगा जो बताया नहीं जा सकता। काम ना गलत है,
ना बुरा लेकिन बड़ा है, बहुत बड़ा। इतना बड़ा कि तुम इस डील के बारे में किसी को कुछ नहीं बता सकते, किसी को भी नहीं। नाउ यू टेक दिस बैग एंड आई विल सी यू ऑन द 9th। सर, आई कांट। यू नो श्री, दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? फ्री में पैसा आना। नहीं, फ्री में आया हुआ पैसा वापस देना। ये बैग तुम अपने पास रखो, अगर तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग है तो 2 दिन बाद आओ और पैसे वापस दे दो। अकाउंटेंट तुम रहोगे, पर अगर ये पैसा तुम पर भारी पड़ जाता तो 2 दिन बाद आना, 12 घंटे देना और 10 लाख और ले जाना। ओके? अरे कहाँ है रे तू? कब से तुझे फोन कर रहा हूँ? अरे घाटकोपर में हूँ यार, मौसी के यहाँ। अच्छा सुन, फटाक से रूम पे आ जा, एक बहुत ही कमाल की खबर देनी तुझे। ए हेलो, क्या फटाक से रूम पे रहा? मैंने बोला घाटकोपर में हूँ, ये पल्लवी को लड़का देखने आ रहा है, आई मुझे भी लेके आ गई। अरे हाँ वो सब ठीक है ठीक है, मुझे सिर्फ बता तू कब आ रही है। श्री श्री मैंने बोला ना सुबह आके। सोनू आ गया आ गया आ गया। जी भाई, वो सेठ बोला 3 महीने का पैसा। मुंह मीठा होने से पहले ही कड़वा कर देता है यार शुभू, चाय तो पीने दे यार। सेठ को बोल अगले हफ्ते क्लियर करता हूँ। क्या श्री भाई, वो सेठ फोकट की मेरी बैंड बजाएगा, देखे नक्की कर दो ना। ये ले और जाके उसके मुंह पे चिपका और बोल के उसका मुंह बंद रखे। क्या श्री भाई, 100 के 50 से कुछ होता है क्या? ये चलना शुभु, अब बाकी का अगले हफ्ते करता हूँ ना यार, जाना। ये साला इधर से मामू बनाता है, वो उधर से गाली देता है, ये? बीच में फंस गया हूँ। तेरी तो चाचा क्या खबर? फर्स्ट क्लास साहेब। शुक्रिया। सोनू तू बस 2 मिनट, सिर्फ ड्रेस चेंज करना है, दैट्स इट। यार ड्रेस चेंज यार, ना ही भी नहीं तब तक। अरे तो नाना है किसको, रोज रोज थोड़ी ना आते पाले। जल्दी कर जल्दी कर। हाँ, रुक 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 रुक। तुला लाज नहीं वाटत? नमस्ते आंटी। कितने बेशरम आयस रे तू, उसे प्यार करता है ना तो शहर छोड़ के भाग क्यों नहीं जाता?
और ये 8 साल से मुंबई में है, क्या उखाड़ा है तूने मुंबई का, बोल मुझे। मेरा रेशन वाला मुझे रेशन बाद में देता है, लेकिन तेरे कर्जे के बारे में पहले सुनाता है, माहिती है? माहिती है। का माहिती है तुला? अरे कब समझेगा तू? हाँ, 50 साल के बाद आएगा मेरे पास, बोलेगा आंटी ना मेरे से घर हुआ, ना मैं नौकरी ढूंढ सका, मैं तो भी गरीब बन गया। और तब जाके मैं मेरे सोनू की शादी किसी लुल्ले से लंगड़े से या 2 बच्चे के बाप से करा दूंगी। ये आई आई कहा है सकाई सकाई? तुला बोर दे उतरो सकाई सकाई 30 30 30 गोष्ट बोलून। हाँ हाय काय फायदा, हाय फायदा, हाय काय? हाँ मी बोलते तुझ्या लक्षात येत नाही, तो एक आंधळा तू मूर्ख। काय तमाशा चाललाय, सगळे बघतात, धरा जबर। बघू दे ना, मी नाही घाबरत, मी त्यांचा विचार करू की माझ्या पोरीचा विचार करू? तुझ्या मुलीचाच विचार कर, आणि तुला ऑफिसला जायला उशीर होतोय, जाऊ दे तिला आता। हाँ चल रे भाऊ, ऑफिसला उशीर होतोय ते कळतंय तिला, अरे पण लग्नाला उशीर होतोय ते कळतंय का? डेली का प्रोग्राम बना लिया इसने, रोज सुबह दिमाग का दही बना तेरी माँ की। तो तू देख, 10 दिन में ना 1 रूम किचन लेके दिखाऊंगा। अच्छा? अरे सच में मुझे ना 20 लाख मिलने वाले हैं। श्री अगर बैंक ही लूटता है ना, तो कोई बड़ा बैंक लूटेगा, तो 1 रूम किचन क्यों, 3 BHK भी मिल जाएगा। तो हम सीरियस यार? तो कोई सीरियस मजाक करना, फालतू के जोक क्यों मार रहा है, 20 लाख मिल जाए। सोनू मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ यार, मुझे 20 लाख मिलने वाले हैं। अच्छा? अरे बाबा तेरी कसम यार, मुझे 20 लाख मिलने वाले हैं। पागल, 10 लाख तो घर पे पड़े। सच में? श्री तो श्री कौन मतले? मुझे बता ना, श्री श्री। हेलो, गुड मॉर्निंग श्री। तो फाइनली तुमने डिसाइड कर ही लिया कि तुम्हें 20 लाख रुपए मिलने वाले? नो मैम, आई वाज श्री, तुमने अभी अभी सोनू की कसम खाई है ना कि तुम्हें 20 लाख रुपए मिलने वाले हैं। हाँ 20 लाख बहुत होते हैं श्री, और तुम्हें इन पैसों की सख्त जरूरत है। और हाँ, तुम शायद ये भूल गए हो कि तुम हमारी इस डील के बारे में किसी को नहीं बता सकते। किसी को मतलब किसी को नहीं, सोनू को भी नहीं। बाश, सोनू इज वेटिंग फॉर यू। अब देखते हैं तुम सोनू को क्या बताते हो, तुम्हें ये 20 लाख रुपए कहां से मिलने वाले। सी यू टुमारो श्री। किसका फोन था? हाँ? किसका फोन था? हाँ, अरे वो मैम मैम थी। तुमको बोल नहीं सकता था कि बाद में कॉल करता हूँ? यहाँ मुझे 20 लाख की टीले लगाकर खुद फोन पे लग गया। श्री कहां से आ रहे 20 लाख? क्या क्या 20? श्री तू जा, अभी अभी बोला ना कि 20 लाख मिल रहे तुझे। हाँ हाँ हाँ, अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ। ए तूने अभी अभी मेरी कसम खाई है? सच सच बोल, क्या लफड़ा ये सब? लफड़ा? अरे क्या क्या लफड़ा सुनू, कोई लफड़ा नहीं है। अरे वो हम मौसी के हैं। कौन मौसी? अरे वो मौसी है, मुझे पता नहीं था। क्या सुनू, मौसी है मुझे पता है। हाँ। उनकी कोई औलाद नहीं है ये मुझे नहीं पता था। तो क्या औलाद नहीं है ना, तो वो अपनी पूरी जायदाद हम कजन में बांटेंगे, बांटने के बाद मेरे से कुछ वही 20 लाख आएंगे। तू सच बोल रहा है? अरे पागल मैं झूठ क्यों बोलूंगा, सच कह रहा हूँ मैं। और तभी तो तपन मैंने 10 लाख तो भेज भी दिए। अबे येड़े, तू इतनी बड़ी गुड न्यूज ऐसे रोंदू थोपड़े से क्यों दे रहा है? कहाँ है? खोली में पड़े। तो चल ना। अबे चल। क्या सुबह है? ये क्या हुआ है? कि जिंदगी ने ये खुद कहाँ? जी ले तू मुझको, जी
बजने लगा है हर लम्हा इस जिंदगी का हर लम्हा इस जिंदगी का जो पल बीते तेरे संग जो पल बीते तेरे संग सारे कहते मुझे तू हंस ले तू हंस ले तू हंस ले ये कॉफी पीने के बाद तुम पर हल्की सी बेहोशी छाने लगी क्योंकि अगले 12 घंटों के लिए तुम्हारा होश में ना रहना जरूरी है। क्या कर रहे हैं आप लोग मुझे नहीं करना ये सब मुझे नहीं करना तो मैं मर जाऊंगा आप लोग मुझे मार रहे हो रंधावा जी मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे मुझे नहीं चाहिए ये क्या जबरदस्ती देखिए मुझे धक्का मत मुझे रंधावा जी मुझे नहीं करना रंधावा जी मैं आपके पैसे दे दूंगा जी धक्का दिया था बाकी सब लोग कहाँ हैं अब कैसा लग रहा है आपको आराम से मेरा सर दर्द से फट रहा है बताइए बाकी लोग कहाँ हैं अंदर चल के कुछ पी लीजिए मुझे कुछ नहीं पीना है आपको बेहतर लगेगा मुझे कहीं नहीं जाना है
अरे हमने कहा ना मेरी बात सुनिए, आप अंदर चलिए तो सही। आइए। अरे छोड़ो, बाकी सब लोग कहाँ हैं? बता मुझे। अरे बताओ ना, तो मुझे बताते क्यों नहीं? क्योंकि हम बताना नहीं चाहते। 7:05 हुए हैं, मात्र 11:55 यहां शांति से बैठिए, उसके बाद आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल जाए। यहां कोई बहुत बड़ा लफड़ा हो रहा है, तुमने मुझे मारने की कोशिश की थी, मुझे काम नहीं करना। देखिए श्रीमान जी, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप यहां चुपचाप बैठ जाइए, क्योंकि आपके 12 प्रारंभ हो चुके हैं और आपके लिए भी यही उचित होगा कि जो हम कह रहे हैं आप मान लीजिए। तुझे क्या हुआ? तू वहां से बाहर क्यों निकला और यहाँ क्यों आया श्री? यहाँ क्यों आया मतलब, सोनू अपने घर नहीं आऊंगा तो कहाँ जाऊंगा मैं? हाँ आना, आ अपने घर, बैठे तेरे घर वाले तेरी पूजा करने के लिए। तू वहां से निकला क्यों श्री? कहाँ से निकला यार सोनू, देख मेरा सर अभी दर्द से फट रहा है। तू एक काम कर, तू अभी जाम 2 बाद मिलते। एक तो इडियट के जैसे यहाँ गया, ऊपर से मुझको बोल, नहीं तेरे से तो बाद में निपटती हूँ। ए शुभू जा, वो ऑटो वाले को बुला के ला। क्या कर रही है तू? मैंने तुझसे कहा था ना कि वहां से बाहर मत निकलना, और तुझे मरने के लिए बस्ती में ही आना था। श्री यहाँ अभी भी 2 पुलिस वाले हर वक्त तेरे लिए बैठे हैं। तू पुलिस वाले निकल, बैठ श्री प्लीज, श्री जा। अरे दीपा निकल ना यार, अरे कहीं भी जाकर बाहर यहाँ से निकल जा। तू मेरी बात तो शुभ, थैंक्स। हाँ यही था साहब। अरे छोटे किधर गए रे वो? कौन साहब? अबे वो 16 खोली वाला, किधर देखा था तूने? यही देखा था साहब, अपनी चाबी के साथ में। अब बोल क्या साहब, लगा दी ना 10 की शेंडी। ये बोला था कि पंडुलों को दौड़े के लेगा और अब आ भी गए क्या साहब? तू पुलिस वालों को भगाएगा, शर्त लगाएगा तू? साहब सुनो, चल साहब मैंने तेरी तरह साहब मैं आई मिस आते बैंक के 400 तो ना का तू ला आई हूं जा प्लीज बाय। सोनो सोनो आगा आई आई पड़ी है। Thank you.
सारा शहर सकते में है। हर मिनट सरकार पर दबाव बढ़ने का। मैंने तो देखी। सिर्फ ये कत्ल नहीं बल्कि कत्ल के तूने नहीं देखी। कत्ल का फरार हो जाना है। ये देख कर भी ये सारी बेवकूफियां कर रहा है श्री। तुझे तुझे एक बात कितनी दफा समझानी पड़ेगी यार। सुबह सुबह क्या नया ड्रामा है? ड्रामा इंस्पेक्टर की ड्रामा मैं कर रही हूं। और तूने जो बस्ती में आकर किया वो क्या था? डेरी बनाया है। तुझे क्या जरूरत थी बस्ती में आने की? कोई भी अधिकारी। मैं कब आया बस्ती में? अरे तू कल खुद मुझे लॉक करके गया। चाबी तेरे पास है। और तुझे खिड़की दिखती है जहाँ से बाहर निकलूंगा मैं। वही तो मैं सोच रही थी। जाना पड़ेगा सुन। अब यहाँ बैठ कर कुछ नहीं होने वाला है। जो कुछ करना मुझे ही करना है। अब और कोई पागल बात नहीं है। सोनू मैं जा रहा हूँ। सोनू बैठ गया। राजीव कौन है? उसके बाद हम डिसाइड करते हैं आगे क्या करना है। मुझे सलाब क्या बिजी है यार ये। मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि तू हेलो हेलो राजीव। ए राजीव कहाँ मर गया था तू? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ तेरा। अरे यार वो श्री ने दिमाग खराब कर रखा था यार। हाँ ये श्री पागल हो गया है। तुझे पता है ये सुबह सुबह बस्ती में आ गया था और अब बोल रहा है वापस बाहर जाऊंगा। यार राजीव कुछ समझा यार इसको। अरे वही तो कर रहा था इतनी देर से यार। अभी तेरा फोन लगने से पहले उसी से तो बात कर रहा था। क्या ए राजीव श्री से कब बात कर रहा था तू? श्री 10 मिनट से हमारे साथ है। लेकिन उसने मुझे बोला कि तूने उसे ऑटो में बिठा के कहीं भेज दिया है और वो गोरीवली में। क्या बकवास कर रहा है तू? श्री मेरे साथ चलो चलो। हेलो हेलो राजीव। सोनू क्या हुआ? यार यार श्री फिर भाग गया। ये इडियट समझता क्यों नहीं कि बाहर उसके लिए कितना खतरा है। सोनू देख तू डर मत। तू तो वहीं पे रुक मैं आ रहा हूँ। राजीव यार प्लीज तू जल्दी आ। देख मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा अब। हेलो हेलो मैं श्री जी। देखिए मैं जानता हूँ कि गलती मेरी थी। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। क्या मैं भी मिल सकते प्लीज वही जगह पर? मैं पहुंच जाऊंगा वहां पर 7 बजे जी। राजीव मैं क्या करूं इस लड़के का? ये कुछ समझता क्यों नहीं है? पूरे मुंबई शहर में पुलिस उसे ढूंढ रही है और ये पागल ऐसे खुलेआम घूम रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है राजीव। यार सबसे पहले तो तू टेंशन लेना बंद कर। मेरी श्री से बात हुई है यार और मैंने उसे योगी नगर में मिलने के लिए कहा है। उसे कुछ नहीं होगा। तू पागल है क्या राजीव? पूरे मुंबई शहर में उसे पुलिस ढूंढ रही है और तू उसे ऐसे खुलेआम मिलने के लिए कह रहा है। शिट सोनू मैं पागल नहीं हुआ। मुझे भी सब पता है यार। योगी नगर में सीएम ज्वेलर्स मेरा दोस्त है, इसलिए मैंने श्री को वहां आने के लिए कहा है यार। और यार पुलिस को क्या सपना आएगा कि श्री बोरीवली के पास बैठा होगा? छोड़िए अरे क्या कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ? अरे मुझे बताइए तो इसे कि मैंने क्या किया है। देखिए आप मुझे ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते। रुकिए देखिए बिना किसी जुर्म के आप एक शरीफ नागरिक को अरेस्ट नहीं कर सकते। अरे मेरी बात तो सुनिए आप लोग मुझे कहां। शांत शांत हो जा रहे काय को चिल्लाते इतना? सर ये लोग मुझे अरेस्ट करें। सर मुझे बताइए ना मैंने क्या किया। देखिए सर मैं शरीफ नागरिक हूँ। सर बताइए ना मेरा जुर्म क्या है। सर बराबर बोलता है ये। अरे भाई तू भारत का आम नागरिक बोले तो सरकार और मैं सरकारी नौकर जनता का सेवक। तरह के जानने का कि क्या जुर्म किया तू? क्या इल्जाम है तेरे सर पे? पूछने का रे बाबा लेकिन चिल्लाने का नहीं रे। क्या मेरा कान दुखता है ना रे? सॉरी सर सॉरी सर। सर मुझे बताइए ना सर मैंने किया क्या। सर बताता है मैं। जुर्म नंबर 1 मुंबई के पुलिस कमिश्नर का खून किया तू ना? मैंने रंगे हाथों पकड़ा तेरे को याद है? कमिश्नर का खून? हाँ तूने किया। उसके बाद तू पुलिस कस्टडी से भागा। मेरी कस्टडी से मेरे को ऐसे गन दिखा के। जुर्म नंबर 3 अपने ही साथी को टपकाया तू। नहीं सर देखिए अरे आपको गलतफहमी हुई है सर। मैंने किसी का खून नहीं किया सर। आपको मेरी शाम तक सब ठीक था। रात भी गुड नाइट थी। मस्त होके सोया था मैं।
कि कल से जिंदगी ब्राइट थी, उई सुबह लग गई, जिंदगी सुलग गई। ऐसे ऐसे कांड देखे एक ही दिन में आ मेरे। हिंदी फिल्म नहीं देखता क्या है? सुना नहीं कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं है? तू भाग सकता है लेकिन बच नहीं सकता। दबोच लिया ना तेरे को। सर मैं सही कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता क्या तू क्या कह रहा है। तीचा मायला पुलिस ला ठोकता है, जरा भाग रहा कौन है तिकड़े? ये क्या कर रहे हो तुम? अबे मरेगा क्या? चल भाग। पहले से ही जिंदगी के ऊपर खाबर रस्ते थे, पॉकेट के पंगों में और तेरे मेरे हो गए। माट लग गई, बैंड बज गई, सारी दशा बिगड़ गई, रात में ही जिंदगी की सूरत बदल गई। बहुत ही आम बात है, लेकिन ये ट्रैफिक जैम आम नहीं है। यहाँ अभी अभी दिन दहाड़े एक पुलिस इंस्पेक्टर का कत्ल हुआ है, और शर्मनाक बात यह है कि इंस्पेक्टर का कत्ल करने के बाद मुजरिम पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार भी हो गया है। पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर दी है। अगर आपको ये शातिर मुजरिम कहीं दिखाई दे तो तुरंत अपने पास की पुलिस स्टेशन में खबर दे। इस मुजरिम का नाम श्रीधर उपाध्याय बताया जा रहा है, जो गोरे गांव के दिंडोशी इलाके में रहता है। जनता से अनुरोध किया जाता है कि इसके दिखते ही पुलिस को सूचना दे, खुद इस मुजरिम के पास जाने की गलती ना करे। इसके पास जाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इंस्पेक्टर का कत्ल करने से पहले भी ये शातिर मुजरिम दो कत्ल कर चुका है। ये केस अब मुंबई पुलिस की इज्जत पर बनाया है, और फिलहाल पुलिस का कोई भी अधिकारी इसमें। श्री नाम का ये मुजरिम इस समय मुंबई में खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। जनता से अनुरोध है ये जहाँ भी दिखाई दे पास के पुलिस स्टेशन में सूचित करे। ये हो क्या रहा है? पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। श्री अब आगे का करना है ये सोचो, जो हो गया सो हो गया यार। जो हो गया सो हो गया। राजीव मुझ पे तीन तीन खून का इल्जाम है, दो बार पुलिस से भागने का आरोप। यार कल तक सब कुछ ठीक था सोनू, ये अचानक खचक नहीं एक ही दिन में सब।
अब हालात बहुत खराब हो गए हैं। देख, पुलिस को तुझे अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अब तो उनके पास लाइसेंस है तुझे ऑन द स्पॉट शूट कर देने का। वो अपने जात भाइयों का खून लाइटली नहीं लेंगे भाई। यार मैंने किसी का खून नहीं किया यार राजीव, खून उस पर नंबर का बास पर ने औलाद भी नहीं किया था। श्री, श्री, श्री हमें पता है, श्री, श्री हमें पता है तूने खून नहीं किया है। I know you, श्री, I know you more than myself। मैंने कुछ नहीं किया, सुन, मैं सच कह रहा हूँ यार, मुझे कुछ पता ही नहीं है राजीव, मुझे कुछ नहीं पता है कि ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, मैं कुछ नहीं जानता। देख श्री, मैं फिर से वही कहूंगा कि जो हो गया सो हो गया, अब आगे का सोचो यार कि करना क्या है। श्री देख, तेरे शहर में रहना बहुत खतरनाक है, तुम मुंबई से बाहर निकल जा। निकल जाऊं मतलब? हाँ। यार कहाँ जाऊं मैं और क्यों जाऊं? हाँ? मैं कहीं नहीं जाऊंगा यार सोनू, मैंने कुछ नहीं किया। श्री, श्री समझने की कोशिश करो, यहाँ बहुत खतरा है और बस बस 2-3 महीने की बात है। श्री देख, मैंने सादर में अपने एक फ्रेंड से बात कर ली है, वहां तेरे रहने का इंतजाम हो जाएगा। देख, मैं अकेले कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। अरे तो कौन कह रहा है कि मुझे छोड़ना है, मुझे मुंबई में नहीं रहना है, मुझे तेरे साथ रहना है श्री, मेरे लिए। श्री नूचलूं बलाए सारी पिया जी में तोरी, करना है जो कर ले किस्मत निगोड़ी। तेरी आली सोरी, मालिक मोरा जागता मैं कैसे सोरी, कैसे सोरी सकी मैं कैसे सोरी, कैसे सोरी सकी मैं कैसे सोरी, पिया मोरा जागता मैं कैसे सोरी, मालिक मोरा जागता मैं कैसे सोरी। बिन श्रृंगार सज बनटन चली मैं, पिया संग चली एरी पिया की गली मैं। बिन श्रृंगार सज बनटन चली मैं, बनटन चली एरी पिया की गली मैं, पिया की हसी से ही मैं, पिया की हसी से ही मैं सजती री। पिया मोरा जागता मैं कैसे सोरी, मालिक मोरा जागता मैं कैसे सोरी। वो क्या है ना, हमें आपके प्रेम पर अत्यधिक विश्वास था, हमें पता था आपकी प्रेमिका आपके पास निश्चय ही आएगी, और देखिए ना आपके प्रेम ने हमें आप तक पहुंचा ही दिया। काना के नाम से ही विष पी गई मैं, पिया जी को लाने को यम से लड़ी मैं। काना के नाम से ही विष पी गई मैं, पिया जी को लाने को यम से लड़ी मैं। आपके 12 घंटे समाप्त होने में 20 मिनट बचे। लैला हुई मैं कभी,
लैला हुई मैं कभी हुई शीरी पिया मोरा जागता मैं कैसे सोरी मालिक मोरा जागता मैं कैसे सोरी कैसे सोरी सखी मैं कैसे सोरी कैसे सोरी सखी मैं कैसे सोरी पिया मोरा जागता मैं कैसे सोरी मालिक मोरा जागता मैं कैसे सोरी। लगता है उसी का कोई साथी होगा। बेकार में मुझे फंसाया जा रहा है। यही सबूत है कि मैं बेकसूर हूं। अब करना क्या है? मुझे पता है कि क्या करना है। अरे खड़ी खड़ी मुझे देख क्या रही? लस्सी उसी ढूंढना है जमाने के लिए। जल्दी कर। रुक जाइए। तुम कौन हो? ये तो तुम्हें बताना है कि तुम कौन हो। सोनू तू यहां क्या कर रही है? इन्हें हम लेकर आए। अब आप बताइए आप ये सब क्या हो रहा है यहां पर? पहले दूसरा श्री पैदा हो गया और ये मुर्दे से जिंदा। तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? तुम तो कल मर चुके थे। क्या बकवास कर रहे हैं आप? वाह, मैं बकवास कर रहा हूं। तुम मुर्दे से जिंदा होकर मुझसे कह रहे हो कि मैं बकवास कर रहा हूं? आप कहना चाहते हैं कि कल हमारी हत्या हो चुकी है? अरे तुम भी क्या इसकी बातों में आ रहे हो? अगर तुम कल मर चुके थे तो सुबह से क्या तुम्हारा भूत घूम रहा मेरे साथ? आप कृपया चुप रहेंगे। कल अर्थात कब? कौन सी दिनांक? अरे क्या बेवकूफी वाला सवाल है ये। कल मतलब कल? आज 11 तारीख है तो कल 10 ही होगी ना। ये डुप्लीकेट तेरे दिमाग की क्या पैंट बजी हुई है? हाँ, एक तो पहले इस जीते जाते हैवान को तूने मुर्दा बना दिया, अब आज 9 तारीख को तू 11 तारीख बना रहा है। हमने कहा ना आप चुप रहिए। आप कहना चाहते हैं कि 10 तारीख को हमारी हत्या हो चुकी है? कैसे, किसने मारा है हमें? कमाल है यार, तुम्हारा खून हुआ और तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें किसने मारा है? अरे ये मरा हो तब तो इसे पता होगा इसे किसने मारा है। सुबह से तो मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। अरे वो मर चुका है। कल 10 तारीख को उसकी लाश उस कार में मैंने खुद देखी। अरे मेरे भाई, कल 10 तारीख थी ही नहीं, आने वाला कल 10 तारीख है यार, आज 9 तारीख है। आप चुप रहेंगे कुशल? ये सही कह रहे हैं, आज 9 तारीख नहीं, आज 11 तारीख है। हम 2 दिन भविष्य में हैं। सुबह 9 तारीख थी और मुझे कॉफी पिलाकर इसने धक्का दिया। नहीं, इसने धक्का नहीं दिया बल्कि ये मेरे साथ कूद गया और कूदने के बाद हम 9 से
11 तारीख में आ गए, इसका मतलब है कि मैं सुबह से 11 तारीख में जी रहा हूं। हमें किसने मारा? अरे अगर ये मुझे पता होता तो मैं पुलिस को नहीं बता देता। तुमने कमिश्नर का खून किया, उसमें मुझे फंसा दिया, उसके बाद तुम्हारा खून हुआ और उसमें ही मुझे ही फंसा दिया। देखिए श्री जी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कृपया विस्तार से बताइए क्या हुआ था, कैसे हुआ था। ठीक है, 9 तारीख 12 घंटे बाद जब शाम को 7 बजे मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं फार्म हाउस के टेरेस से नीचे गिरा हुआ था। और वहां पर मिस्टर रंधावा, प्रोफेसर, कमिश्नर, शीना और तिलक, तुम सब के सब वहां थे और सब मुझे देखकर बहुत खुश थे, लेकिन सबसे ज्यादा खुश थे प्रोफेसर। थैंक यू श्री, थैंक यू, तुमने मेरी 6 साल की मेहनत सफल कर दी। आई डिड इट मिस्टर रंधावा, आई एम सो हैप्पी। मैं सोच रहा था कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया कि सब इतने खुश हैं, और फिर प्रोफेसर ने जो मुझे बताया उसने मेरे होश उड़ा दिए। तुम दुनिया में इकलौते ऐसे इंसान हो जो टाइम ट्रैवल कर सकता है। टाइम ट्रैवल, फिल्मों में तुमने इसके कई तरीके देखे होंगे, जैसे कि टाइम मशीन, जादू से टाइम ट्रैवल, या पुराने जमाने से किसी इंसान का नए जमाने में आना। लेकिन मैंने टाइम ट्रैवल पर एक अलग तरीके की रिसर्च की है, टाइम फिशर, यानी कि वक्त का टूटना। अब ये वक्त कैसे टूटता है, कब टूटता है, ये मैं तुम्हें दिखाता हूं। दिन में सूरज के चारों ओर अपनी परिक्रमा करती है और खुद भी उसी जगह पर घूमती रहती है। पृथ्वी अपना यह चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है और पृथ्वी के आसपास कई पैरेलल लेयर्स चलती रहती है। टाइम भी साथ में चलता है, पैरेलल, हर वक्त साथ में चलता रहता है, और पृथ्वी के साथ होने वाली किसी भी बड़ी घटना का असर टाइम के इस पैरेलल लेयर पर भी पड़ता है, जैसे कि अर्थक्वेक, सुनामी या जलजला। इन नेचुरल डिजास्टर्स का असर हमारी दुनिया पर क्या पड़ता है यह हम सभी अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन जब ये डिजास्टर्स कुछ ज्यादा ही बड़े हो जाते हैं तो ना सिर्फ हमारे आसपास की जमीन और बिल्डिंगें हिलने लगती हैं, बल्कि पूरी की पूरी पृथ्वी हिल जाती है। हल्का सा, इतना हल्का कि किसी को पता ही नहीं चलता कि पृथ्वी हिली। लेकिन जब पृथ्वी हिलती है तो इसके साथ साथ चल रही पैरेलल टाइम की लेयर भी हिल जाती है, हल्का सा क्रैक हो जाती है, और तब टाइम जंप मारता है, यानी कि वक्त टूटता है। यही है टाइम फिशर, वक्त का टूटना। लेकिन यह वक्त कुछ सेकंड्स के लिए ही टूटता है, यानी कि 1, 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 सेकंड्स के लिए। लेकिन फिर जब पृथ्वी 24 घंटे का अपना यह चक्कर पूरा करके वापस उस जगह से गुजरती है तो टाइम फिर जंप मारता है, और ऐसा बार बार हर 24 घंटे के बाद हर दिन होता रहता है। तब ये सेकेंड्स का गैप बढ़ते बढ़ते एक बड़ा टाइम गैप हो जाता है। सेकेंड्स मिनट में बदल जाते हैं, मिनट्स घंटों में, और घंटे दिन में बदल जाते हैं। श्री, इस दुनिया में ऐसी कई जगह है जहां सालों पहले इस तरह के डिजास्टर्स हुए हैं, जैसे कि फ्रांस का ये फेमस बंगलो मॉन्ट सेंट मिशेल, बहामास का ये छोटा सा आइलैंड हार्बर आइलैंड, और इराक का ये अबू ग्रेब प्रिजन, और हमारा ये फार्म हाउस। साठ साल पहले यहां अर्थक्वेक आया था और तब यहां इस फार्म हाउस के टेरेस पर वक्त 2 सेकंड के लिए टूट गया था। तब से अब तक 2-2 सेकंड्स जोड़कर 12 घंटे का गैप हो चुका है।
और अब जब पृथ्वी 365 दिन में अपना चक्कर पूरा करके इस कोने पर से गुजरती है, तब इस फार्म हाउस की टेरेस से 12 घंटों के लिए टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। लेकिन टाइम ट्रैवल सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो इस तरह के किसी नेचुरल डिजास्टर में पैदा हुआ, यानी कि टाइम फिशर में पैदा हुआ। इस दुनिया में ऐसे केवल 9 इंसान थे। एंड यू आर द 9th वन श्री, यू आर द 9th वन, यू आर स्पेशल वन। तुम न सिर्फ वापस आ सकते हो, बल्कि कोई भी इंसान तुम्हारा हाथ पकड़कर इस टाइम जोन में जाकर टाइम ट्रैवल कर सकता है। और श्री, जब प्रोफेसर ने मुझे अपनी रिसर्च के बारे में बताया तो मुझे लगा कि यह रिसर्च हमें क्राइम रोकने में मदद कर सकती है। कहां टेररिस्ट अटैक होने वाला है, कहां बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है, हम पहले से पता कर सकते हैं, रोक सकते हैं उसे। श्री, जब तक ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हो जाता, हम सरकार को कुछ नहीं बता सकते। और इस एक्सपेरिमेंट को मैं अकेले अपने बूते पर अंजाम भी नहीं दे सकता था। इतनी सारी कंट्रीज में जाना, लैब्स बनवाना, रिसर्च करना, इट्स बिग मनी। इसलिए मैंने अपने बचपन के दोस्त जयराज की मदद ली। श्री, 2 दिन बाद हम एयर कॉलिंग की एयरनेट सर्विस लॉन्च कर रहे हैं और तुम उसके मुंबई हेड बनाए जाओगे। दुनिया की नजर में एयर कॉलिंग के रीजनल हेड, लेकिन तुम्हारा मेन काम होगा कि जब भी प्रोफेसर तुम्हें बुलाए, फ्यूचर में जाना और होने वाली क्राइम्स की रिपोर्ट ले आना। श्री, यू आर द चोजन वन और अब तुम्हारी जिंदगी बहुत स्पेशल होने वाली है। और इस नई जिंदगी का पहला कदम आज से 8 दिन बाद होगा, फ्रांस से। शीना, इस पर हम तीनों के पर्सनल नंबर्स हैं, लेकिन याद रखना, ये जगह हम लोगों के अलावा किसी को नहीं पता। ये खुशी सबसे पहले मैंने सोनू के साथ शेयर की, लेकिन जब मैंने उसे सारी बात बताई, अरे सोनू, बिड़ी में मैं सच कर रहा हूँ, दारू पिया तूने? दारू तुझे कड़वी लगती थी क्या पिया? मेरी माँ, कुछ नहीं पिया है मैंने। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। अरे मैं दुनिया में ऐसा अकेला इंसान हूँ जिसके पास के पावर है, समझ के, तू सूरज है श्री और मैं पृथ्वी, और पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर। मैं खुश था, बहुत खुश। स्टॉप इट, श्री, श्री, रुक जा, यार लाइट चली गई। ए श्री, रुक, चक्कर, श्री, लाइट चली गई। श्री, तू ठीक है? शर्ट फट गई, लेकिन मुझ पर तो जैसे नशा छाया हुआ था। अरे इस फालतू की बकवास में अच्छी शर्ट फट गई। अरे फटने देना सोनू, तू भी वैसे भी फालतू शर्ट कौन पहनने वाला? मैं तो अरमानी पहनने वाला हूँ, अरमानी। अच्छा, और नहीं तो क्या? ले, क्योंकि अब पैसों की बरसात होने वाली है। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। बस रात के 12:30 बजने वाले, आई को बोला कि अनु के आऊं, अब इससे ज्यादा देर हुई ना तो तेरे फ्यूचर ट्रिप का पता नहीं, आई हम दोनों की फ्यूचर की वाट लगा देगी। सुनो, बाय। अरे सुनो, आराम कर, सुनो, से होश में बात करती हूँ, बाय। मैंने सोचा कि कल सोनू को प्रोफेसर के पास ही ले जाऊंगा, तब ये मानेगी। लेकिन प्रोफेसर तक जाने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि सुबह शीना खुद मेरे पास आ गई। गुड मॉर्निंग श्री। गुड मॉर्निंग मैम। मेरे बाकी के 10 लाख और रंधावा का एक और नया ऑफर लेकर। वो चाहते हैं कि तुम फ्यूचर ट्रैवल प्री क्राइम डिपार्टमेंट के लिए ना करके सिर्फ उनके लिए करो। अगर तुम फ्यूचर ट्रैवल सिर्फ उनके लिए करते हो तो कौन सा स्टॉक ऊपर, कौन सा नीचे, इट विल बी लाइक दिस। लेकिन मैम, आपको लगता है कि प्रोफेसर साहब और कमिश्नर हमारी इस बात के लिए मानेंगे? श्री, तुमने सुबह से न्यूज नहीं देखी? और उसके बाद शीना ने जो न्यूज मुझे दिखाई, उसने मेरे होश उड़ा दिए। दरारें देखी जा रही हैं। ये बंगलो भाभा रिसर्च सेंटर के पूर्व साइंटिस्ट प्रोफेसर कृष्णकांत देसाई का था। ब्लास्ट के कारण का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। प्रोफेसर कृष्णकांत इंडिया बहुत अच्छे इंसान हैं और रिसर्चर रहे हैं, लेकिन आधे घंटे में वो भी कई देशों में ऐसे थे होने वाले। देखो, दुनिया में सिर्फ 3 लोग जानते हैं कि तुम फ्यूचर ट्रैवल कर सकते हो। प्रोफेसर जो मर चुके हैं, कमिश्नर जो मरने वाले हैं,
और रंधावा जिनके लिए तुम्हें काम करना है। नहीं देखिए, मुझे कोई काम नहीं करना। आप लोगों ने तो प्रोफेसर हमने को नहीं बताया है कि ये मामला काफी अहम है। रंधावा ने इसे बहुत ही गहराई से ले रही है। मेरा काम सिर्फ उनका ऑफर तुम तक पहुंचाना था। तब मुझे पता चला कि शीना भी मेरी तरह फंसी हुई थी। शीना ने मुझे बचने का एक रास्ता दिखाया। एक इंसान है जो शायद तुम्हारी मदद कर सके। कमिश्नर, लेकिन अफसोस आधे घंटे में वो भी। अगर तुम उन्हें बचा सको तो शायद। शीना की बातों ने मेरे दिमाग की बैंड बजा दी थी। मैंने कमिश्नर साहब को फोन किया। श्री जयराज मेरे बचपन का दोस्त है। शीना कहे या तुम, मैं इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हूँ। सर, दोस्ती पे विश्वास ठीक है पर अंधविश्वास पे। सुप्रभात श्रीमान। तिलक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी वो रंधावा जी ने एक संदेश भेजा है। सर, मैंने आपसे कहा था ना, रंधावा जी को पता चल गया कि मैं आपसे मिलने आया हूँ और इसीलिए उन्होंने। श्री रिलैक्स। सर रिलैक्स। एक बात का ध्यान रखना, अगर इसे जरा सा भी नुकसान पहुंचाया ना, इन्हें हम कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। क्षति तो आपको होगी। और मेरे देखते ही देखते उसने कमिश्नर साहब को गोली मार दी। ये तुमने क्या किया? हमने नहीं, आपने। कोई हिलेगा नहीं, जो जिधर है उधर ही। साहब, साहब, साहब गेले पंडरपुरला। चिचामाल कौन के ले रहे? इससे सर, इससे कमिश्नर साहब को खून किया। मैं तो यहाँ पर कमिश्नर साहब को बचाने आया था सर। ए बाबा, पहले बंदूक नीचे रख रहे बाबा। दूसरे के हाथ में बंदूक देके फटती है रे मेरी। बंदूक नीचे, हाथ ऊपर। सर हाँ, अब तुम दोनों चलो मेरे साथ चौकी में। हाँ, वहां बैठ के आराम से डिसाइड करते हैं किसने बंदूक चलाया, किसने बंदूक फेंका। हाँ, लेकिन तिलक वहां फंसने नहीं, फंसाने आया था। पूरी लाइफ में मेरी इतनी कभी नहीं फटी जितनी उन दो मिनट में फटी। इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। तेरा आदमी तेरे को लटका के भाग गया। सर, सर। अब सारा का सारा बिल तेरे नाम पे फटेगा। सर, वो मेरा आदमी नहीं था सर। मैं आपसे सच कह रहा हूँ सर। मैं यहाँ पर कमिश्नर साहब को वार्न करने आया था सर। अच्छा, अब मैं तेरे को वार्न करता है। तू गया रे, तू तो गया। सर, मैं सच सच कह रहा हूँ सर। देखिए सर, मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता रहा हूँ। बता बता। सर, प्रोफेसर साहब ने कुछ फेक एक्सपेरिमेंट किया था। साहब, और इसका कोई वकील आया? भेज साले को। नसीब बहुत अच्छा रहे तेरा, बहुत अच्छा। मुझे तुम्हारे दोस्त राजीव ने तुम्हारा केस दिया। थैंक यू वेरी मच सर। मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया सर। देखो श्री, एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहता हूं, ये ओपन एंड शट केस है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर का मर्डर हुआ है। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। इसमें तो मुझे फंसाया जा रहा है सर। श्री, इस इल्जाम से तुम्हें मैं तो क्या, कोई भी नहीं बचा सकता। हाँ, कानून से बचने का एक रास्ता है। तुम यहां से, मुंबई से दूर भाग जाओ। मुंबई से भाग जाओ? हाँ। कैसे सर?
यहां तो ये लोग मुझे सोनू तक को नहीं मिलने दे रहे, मैं यहां से बाहर कैसे निकलूंगा? राजीव तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ हाईवे नंबर 4 पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है और मेरे कोट की लेफ्ट साइड में एक गन है। आगे बताना सर। मेरा था लगा तो आगे बताना वरना मैं इसको उड़ा दूंगा। जीप काट रहे, जीप काट, जीप काट। हेलो श्री, यू इडियट, ये क्या किया तुमने? मैंने अरे कमिश्नर का खुद तो मैंने किया ना, आप लोगों ने मुझे यहाँ पर। शट अप श्री, मैं खुद आई थी वहां अपनी लाइफ अपना जॉब खतरे में डाल के, और तुम, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता? तुम्हें इतना भी समझ में नहीं आया कि राजीव को कैसे पता चला कि तुम पुलिस कस्टडी में हो? श्री, वो एडवोकेट रंधावा का आदमी था। अब तुम पर सिर्फ कमिश्नर के कत्ल का इल्जाम नहीं, पुलिस कस्टडी से भागने का इल्जाम भी है। और तुम किसी की भी गाड़ी में बैठने से पहले एक बार उसे देखते भी नहीं हो? ये क्या कह रही हैं? पीछे देखो। Now you listen to me, Shree. तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करोगे। तुम जल्द से जल्द मुझसे आके मिलो, क्योंकि अब तुम पर एक नहीं दो दो कत्ल के इल्जाम आ चुके हैं। मैं जानती हूँ इस रंधावा से कैसे निपटना है। हेलो श्री, आर यू लिसनिंग टू मी श्री? और उसके बाद मैंने सीधे सोनू को फोन किया, क्योंकि सोनू के अलावा मैं और किसी पे ट्रस्ट कर ही नहीं सकता था। और सोनू ने मेरे रहने का इंतजाम जमुनानगर में उसके एक दोस्त के घर कर दिया। कल रात मैं वहीं रहा, और जैसे ही सुबह उठकर न्यूज देखी तो हर न्यूज चैनल पर तिलक और कमिश्नर के खून का इल्जाम मुझ पर लग चुका था। आप पर तो मात्र हत्या का आरोप है, और हम तो, और हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारी हत्या कैसे हुई और किसने करी। देखिए श्री जी, हमें नहीं पता कि इन्होंने जो बताया वो होगा या नहीं, किंतु पुनः 9 तारीख में पहुंचने के बाद हम आपको सहयोग देंगे। किंतु पुनः 9 तारीख में पहुंचने के लिए हमें शीघ्र निकलना होगा, क्योंकि 12 घंटे समाप्त होने में अब कुछ ही क्षण बाकी है। मेहनत सफल कर दी। आई एम सो हैप्पी। तुम दुनिया में एक लौते ऐसे इंसान जो टाइम ट्रैवल कर सकता है। टाइम ट्रैवल, लेकिन जब गलती होती है तो इसके साथ साथ चल रही पैरेलल टाइम की लेयर भी हिल जाती है। तब टाइम जंप, लेकिन ये वक्त कुछ सेकंड्स में ही टूटता है। सेकंड मिनट में बदल जाता है, मिनट घंटों में, और घंटे दिन में बदल जाता है। नाउ गो एंड हैव सम रेस्ट, आगे तुम्हें बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। दारू पिया तूने? सोनू, दारू तो तुझे कड़वी लगती थी। बियर। सोनू, यार बिलीव मी, मैंने कुछ नहीं पिया है, और मैं सच कह रहा हूँ कि मैं टाइम ट्रैवल कर सकता हूँ। मैं दुनिया में सब नहीं यार, मुझे पता तू मेरी बात का यकीन नहीं करेगी। मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुझे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तू नहीं मानेगी।
तो तब मानेगी जब मैं बुरी तरह से फंस जाऊंगा। एक मिनट, आई कैन प्रूव इट। फ्यूचर वाले श्री के हिसाब से अभी लाइट जाएगी। सोनू, लाइट जाएगी। श्री, अब तू मुझे इरिटेट कर रहा है। सोनू, बिलीव मी, लाइट जाएगी। लाइट का नहीं पता श्री, मैं जा रही हूं। सोनू, मेरी बात मान। सोनू, लाइट जाएगी। श्री, बाय। देखा, मैंने कहा था ना, मैं। तू ठीक है? हाँ। क्या हुआ? तेरी फालतू की बकवास में अच्छी शर्ट फट गई। हट। ये शर्ट तो फटनी थी सोनू, और लाइट भी जानी थी। मेरी बात मान सोनू। देख, मैं तुझे कह रहा हूं, मुझे पता था सोनू कि लाइट भी जाएगी और ये शर्ट भी फटेगी। श्री, कोइंसिडेंस था, और हमारे यहाँ तो लाइट आती जाती है यार। कोइंसिडेंस नहीं था सोनू, मेरी बात का यकीन कर यार, मैं फ्यूचर जा सकता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ सोनू। तेरा नहीं पता श्री, लेकिन अब मैं जा रही हूँ। रात की 12:30 बजने वाले, आई को बोला क्या अनू के आऊँ। अब इससे ज्यादा देर हुई ना तो आपके फ्यूचर ट्रिप का पता नहीं, आई हम दोनों के फ्यूचर की वाट लगा देगी, समझे? बाय। सोनू, तो मिस्टर फ्यूचरमैन, बताइए दरवाजे पर कौन होगा? जाना यार, खोल दरवाजा, जा। वो श्री जी? जी? तिलक, तुम? आ जाओ। आओ, अंदर। कल होने वाली घटनाओं का आरंभ हो चुका है। 50 लाख रुपए जो हमें रंधावा जी ने दिए हैं, कल प्रातःकाल 11:30 बजे मुख्य पुलिस आयुक्त की हत्या करने के लिए। यार, ये सब क्या हो रहा है? अरे सोनू, तुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या? सोनू, ये 50 लाख है, ये तलक है, और कल ही कमिश्नर का खून करने वाला है। नहीं श्री जी, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कल हम उन्हें मारेंगे ही नहीं। अगर वो मरते हैं तो अगली मृत्यु हमारी होगी। हाँ तलक, लेकिन अगली मृत्यु, देखो तलक, तुम्हारी मौत कमिश्नर के बाद है, लेकिन कमिश्नर से पहले प्रोफेसर के घर ब्लास्ट होगा। अगर हम प्रोफेसर के घर का ब्लास्ट रोक देना तलक, हम फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। बस हमें किसी भी तरह उनकी मौत रोकनी है, समझे? देर किस बात की है, चलिए अभी चलते। हाँ। या श्री। सर, सबसे पहले आप अपने घर से बाहर निकलिए। क्या? Why are you sounding so weird, श्री? आपकी जान को खतरा है सर, आपके घर में ब्लास्ट होने वाला, आप प्लीज वहां से निकलिए, बाहर निकलिए सर। ब्लास्ट? Calm down, श्री। तो मुझे डिटेल में बताओ क्या बात है। सर देखिए, अभी वक्त नहीं है सर, प्लीज ट्रस्ट मी, आपके घर ब्लास्ट होने वाला है सर, आप प्लीज वहां से निकलिए किसी भी तरह अभी। सर मैं आपको इनोबिट के सिग्नल मिलता हूँ। ओके ओके ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। ओके ग्रेट, वो निकल रहे हैं। आप उन्हें फोन करके देखिए ना, वो घर से निकले कि नहीं। तिलक, तुम्हारी तरह उन्हें भी अपनी जान उतनी प्यारी, वो तो उसी वक्त निकल गए होंगे। 2 बजने वाले, अब तक तो घर से काफी दूर पहुंच गए होंगे। अरे ये लो, पहुंच गए। अब तो हंसे मेरे बाप, प्रोफेसर बच गए, तुम भी बच जाओगे। 2 बज गए, प्रोफेसर जी जीवित है, सुरक्षित है। कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है, और फिलहाल पुलिस का कोई भी अधिकारी इस मुझे पहले ही पता था कमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। प्रोफेसर कृष्णकांत, हम फ्यूचर चाहे थोड़ा बहुत चेंज कर भी ले, उनकी बुक टाइम क्लॉक कई देशों में अलग अलग लैंग्वेज
लेकिन मौत नहीं टल सकती। सही कहा आपने, किंतु हम अपनी मृत्यु को अपने निकट नहीं आने देंगे। हमें शायद ये नहीं पता कि हमारी हत्या कैसे होगी, कौन करेगा, किंतु हमें यह तो ज्ञात है ना कि हमारी हत्या की आज्ञा रंधावा जी ही देंगे। अगर रंधावा जी इस दुनिया से प्रस्थान कर जाए तो नहीं 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 तिलक, कमिश्नर साहब को तुमने मारा था, मत मारना, नहीं मारोगे तो उनकी मौत टल जाएगी। देखो फ्यूचर अब भी चेंज हो सकता है। शीना, एक काम करो, तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। सुनो, तू भी अंदर जाओ, जल्दी 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 कर जा। नमस्ते आंटी। तेरा नमस्ते गया तेल लेने, कहा है वो? शिट। कौन आंटी? देख ज्यादा येड़ा बन के पेड़ा खाने की कोशिश मत कर, रात भर कार अखड़ने गए थे तुम लोग। कौन आंटी? मेरी तो नाइट की शिफ्ट थी, और सोनू, सोनू ने कहा कि वो तो अनु के यहाँ गई है। ज्यादा शाना मत बना मेरे साथ। हेलो हेलो हेलो, आई कुठे तू? तू कुठे आहेस? रात्रभर कुठे होतीस ग तू? अगं मी तुला सांगितलं नव्हतं का अनुकडे चालले म्हणून? आता किती वेळ झाला मी दरवाजा बाहेर उभे आहे, कुठेस तू? पोचले तू? अगं मी ते बिरेड आणायला गेली होती, तू ना चंपा आंटी कडून चावी घे आणि दरवाजा खोला, मी येते। पटकन 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 चल। ज्यादा टुकुर टुकुर मत दे, मुझे समझ में आ रहा है तेरा और उसका नाटक, मेरे साथ ज्यादा चालूगिरी मत किया करो तुम लोग। कहीं सुन, मुझे आई से पहले वहां पहुंचना होगा, ठीक है? तू कहीं भी जा रहा है मुझे जगे और सारा प्लान एसएमएस करके जाना, और कोई रिस्क नहीं, कुछ नहीं होगा। टेक केयर, संभाल के। ठीक है, बाय बाय। अब क्या करना है कमिश्नर? श्री जी, हमें भय लग रहा है। तिलक, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी मौत तुम्हारे हाथ में, तुम कमिश्नर को मारोगे नहीं, वो जिंदा, तुम भी जिंदा। शीना, हेलो। गुड मॉर्निंग श्री। गुड मॉर्निंग मैम। कहाँ हो तुम लोग? मैं तुम्हारे घर गई थी पर वहाँ लॉक लगा हुआ था। जी हाँ, वो सॉरी मैम, मुझे आने में थोड़ी देर लगी, कुछ खास काम था। हमारी पहली डील के बाकी के 10 लाख, एंड आई नो दिस 10 लाख्स वुड बी अ वेरी स्पेशल थिंग फॉर यू, राइट? सॉरी मैम, मैं अभी आ नहीं पाऊंगा मैम, मैं आपको थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ, बाय। एक मिनट श्री। देखो मुझे तुमसे अभी मिलना है श्री, पैसों के अलावा भी मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैम मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या जरूरी बात करना चाहती है, और इस वक्त मैं उसी काम के लिए जा रहा हूँ। मतलब? आप भूल रही हैं मैम कि मैं फ्यूचर से होकर आया हूँ, और होकर ही नहीं फ्यूचर देख कर आया हूँ। मतलब तुम? जी हाँ मैम, अफसोस की बात है कि फ्यूचर जानने के बाद भी मैं प्रोफेसर साहब को बचा नहीं पाया, लेकिन मैं कमिश्नर साहब को मरना नहीं दूंगा। देखो श्री, अगर तुम फ्यूचर देख ही चुके हो तो ये भी देख चुके होगे कि आई एम विथ यू। Whenever you need my help, I'm always with you. तुम लोग अपना ख्याल रखो, and if you need any help, just call me, okay? जी मैम, bye. श्री, तिलक कहे या तुम, मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ। I don't know प्रोफेसर को किसने मारा है, लेकिन जयराज, no way. सर, देखिए श्रीमान, हमारा आपके रंधावा जी पर विश्वास या अविश्वास से कोई संबंध नहीं। हम मात्र इतना जानते हैं कि आपकी मृत्यु से हमारी मृत्यु जुड़ी हुई है। जी सर। और आपकी मृत्यु के लिए रंधावा जी ने हमें ये 50 लाख रुपए दिए, किंतु हम तिलक आपको मारेंगे ही नहीं, क्योंकि आपकी मृत्यु के पश्चात ही
हमारी मृत्यु है। कोई हिलेगा नहीं, जो जिधर है उधर ही। गणपत तुम यहां कैसे? वो साहब हमको खबर मिला था कि आप पर अटैक होने वाला है, इसलिए मैं आपको नहीं, बचाने। ऐसा कुछ नहीं है, तुम जा सकते हो। ठीक है साहब। ए तलारे। और सुनो। हाँ। ये गन और पैसे अपनी कस्टडी में ले लो, इलीगल है। हो साहब। और शाम को मुझे ऑफिस में रिपोर्ट करो। ठीक है साहब। तुम्हारी खबर गलत थी। साहब मेरी खबर कभी गलत नहीं होती। मैंने कुछ नहीं किया रे, मैं तो रनर है रे। गेम तो तू बजाया। चल पकड़। ए नहीं दादा, शान पट्टी नहीं। हा? चल चल उठा उठा मेरे भाई, चल 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 चल। अब तेरी उंगलियों के निशान आ गए ना, अब रख दे, काम हो गया तेरा, रख रख। हाँ चलो, अभी हम लोग जाते हैं चौकी पे और वहां जाके डिसाइड करते हैं कि किसके ऊपर मेरे साहब के मर्डर का इल्जाम लगाने का है और किसके ऊपर मेरे आदमियों का। हाँ? ए लंबू, तू लगा सेपरेट इनविटेशन बांटूंगा। हाँ? चल एक छोटा सा अंगड़ाई ले मस्त करके। हाँ? फंस गए रे तुम लोग। हाँ, हाथ पीछे गले के पीछे और तू चल। मला पट मार तू। तू किधर जा रहे है? अब देख इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, तेरा वो साथी तुझे लटका के भाग गया, अब सारा बिल तेरे नाम पे ही फटेगा। हाँ चले। अरे वाह अरे वाह, मजा आ गया रे। ये कमिश्नर को टपकाने का जो मिलेगा सो मिलेगा, ये 50 लाख अलग से। अरे वाह, इसे कहते हैं बिल से ज्यादा टिप मिलना, समझा? आप बोनस ले। साला, तुम लोगों ने सुना नहीं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, फिर भी तुमने कानून के हाथ बांध दिए। चल तुला एक मस्त ऑफर देता हूं, तू मेरे को छोड़, मैं तेरे को छोड़ते हैं, फिर तू अपनी छावी को लेके भाग जा, और ये जो 50 लाख है ना उसमें से 10 लाख तेरे, क्या बोलता है? सर आप भी मतलब इतने सीरियस टाइम पे कैसे मजाक करते हैं सर, मतलब 50 लाख का बैग हमारे पास है, आप बंधे हुए हैं तो फिर हम आपको 40 लाख क्यों दें? हमें भागने के लिए आपको खोलने की क्या जरूरत? वैसे भी इंस्पेक्टर, हाँ? कमिश्नर के खून का इल्जाम सिर्फ तुम मुझ पे डाल सकते हो, जब तक तुम यहां बंधे हुए हो तो किसी को भी कहां से पता चलेगा कि कमिश्नर के खून के वक्त मैं वहां पे गया भी था। जब तक तुम यहां पे हो ना मैं आजाद हूँ। पूरे मुंबई शहर में काफी तनाव फैल गया है, एक अज्ञात जगह पर मिली मुंबई के पुलिस कमिश्नर की लाश ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। पुलिस अब तक ये नहीं पता कर पा रही है कि कमिश्नर वहाँ कैसे पहुँचे और उनके कत्ल के पीछे किसका हाथ है। पूरे शहर में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अच्छा भी लग रहा है, आखिर अपनी मौत की खबर देखना कितनों को नसीब होता है। ये केस अब मुंबई पुलिस की सरकार पर बनाया है जैसा, और फिलहाल पुलिस का कोई भी अधिकारी इस पर कोई भी कमेंट देने के लिए तैयार नहीं है।
हेलो जी, हम तिलक बोल रहे हैं। हाँ तिलक, वो हम श्री जी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, अगर वो आपके साथ है तो क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? नहीं, वो अभी मेरे साथ नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप एक एड्रेस लिख लीजिए, हम वहाँ पे आपसे मिलते हैं, ठीक है? पूरे मुंबई शहर में काफी तनाव फैल गया है। एक अज्ञात जगह पर मिली मुंबई के पुलिस कमिश्नर की लाश ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। पुलिस अब तक ये नहीं पता कर पा रही है कि कमिश्नर वहाँ कैसे पहुँचे और उनके कत्ल के पीछे का हाथ है। मौका वारदात न्यूज़ देखी? तीन हवलदारों की लाश मिली है। सभी चैनल पे वही न्यूज आ रही है। तू तो फेमस होते थे रह गया। नाश्ता लाइए। नहीं, तेरे भागने का सामान। देख श्री, ये लफड़ा बढ़ने वाला है। कमिश्नर के खून के बाद भी तू रंधावा के हाथ नहीं पहुंचा, वो चुप नहीं बैठेगा, इसलिए तू फटाक से निकल जा। ए, मैं मतलब हम जा रहे हैं? हाँ बाबू, हम ही जा रहे हैं, बस अभी तू निकल जा। मैं एक दो दिन में यहाँ पे सब सेट करके आती हूँ। ये ले, ये सरदार का गेटअप पहन और निकल। अब इतना क्या देख रहा है? ये मैं पहले भी पहन चुका हूँ। फ्यूचर में इंस्पेक्टर गणपत के खून के बाद तूने और राजीव ने मुझे ये गेटअप पहनाकर मुंबई से क्या हुआ? इंस्पेक्टर गणपत का खून फ्यूचर में 11 तारीख को 11:30 बजे हुआ था। इंस्पेक्टर गणपत तो राजीव के साथ है। राजीव को फोन कर, जल्दी जल्दी फोन कर। अरे यार, ये हमेशा बिजी क्यों रहता है यार? 11:05 है, हमारे पास अभी वक्त है, चल जल्दी। हाँ। चलिए चल। नहीं लग रहा है। तिलक, तुम इंस्पेक्टर गणपत? ये जा चुके हैं, जब हम यहाँ आए तो ये राजीव, यहाँ इनके अलावा कोई नहीं है। हम हर जगह देख चुके हैं, हम जब पहुंचे तो ये इसी अवस्था में थे। लेकिन तुम यह कैसे है? जी वो कल मैं बताना भूल गई, इसका कॉल आया था सुबह। क्षमा कीजिएगा श्री जी, वो हम आपको अकेले छोड़कर भाग गए थे। वो हम भयभीत हो गए थे कि कहीं ये हम पे कोई झूठा आरोप ना लगा दे। तुम अब तक जिंदा कैसे हो? फ्यूचर के हिसाब से तो अब तक तुम मर चुके हो तलक। फ्यूचर के हिसाब से 10 तारीख को सबसे पहले प्रोफेसर मरते हैं, उसके बाद कमिश्नर, और उसके बाद उस कार में तुम्हारी लाश थी, और अगले दिन इंस्पेक्टर गणपत का मर्डर हुआ। अगर सब टाइम पे मर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं तिलक? इसका मतलब है कि तुम फ्यूचर में मरे नहीं थे। मरने की एक्टिंग कर रहे थे। मतलब ये सुनो कि ये जानता था कि ये फ्यूचर में मरा नहीं था और ये अब भी नहीं मरेगा, इसीलिए कमिश्नर के खून के बाद ये वहां से भाग गया कि उनके खून में ये मुझे फंसा सके। सब समझ में आ रहा मुझे, ये सब अब तक रंधावा के लिए काम कर रहे हैं। इसने अभी तुम्हें अंदर जाने से रोका ना, पक्का राजीव अंदर है। राजीव, नॉट बैड श्री, नॉट बैड एट ऑल। इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद तुम्हारा दिमाग काफी तेज चलता है। तुमने अभी जो भी कहा वो काफी हद तक सही था, सिर्फ एक बात गलत थी, हम रंधावा के लिए काम नहीं करते। वो तो खुद काफी टेंशन में है कि प्रोफेसर और कमिश्नर को किसने मारा।
इसका मतलब है कि ये सब आप? सिंपल सी बात है श्री, प्रोफेसर कमिश्नर और रंधावा तुम्हारी स्पेशल पावर को फालतू चीजों में वेस्ट कर रहे हैं। श्री, स्पेशल पावर होने का मतलब है खुद को पावरफुल बनाना, जो तुम मुझे बनाओगे। शीना जायसवाल, द रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, तुम मेरे लिए फ्यूचर ट्रैवल करोगे, कौन सी कंपनी ऊपर कौन सी नीचे, इट विल बी लाइक दिस। तिलक ने तो फ्यूचर से आते ही बता दिया था कि तुमने सब देख लिया, इसीलिए प्लान थोड़ा चेंज करना पड़ा। बॉम्ब प्रोफेसर के घर के बजाय गाड़ी में रखना पड़ा, और ब्लास्ट तो तुम्हारे सामने ही तिलक ने किया था। उस कमिश्नर के कत्ल के लिए तिलक की बजाय इस स्टुपिड को बुला के बहुत बड़ी गलती हो गई। ओके, हियर्स द न्यू प्लान। कल एयर कॉलिंग मुंबई की एनएट सर्विस लॉन्च होने जा रही है, सारी मीडिया उसे कवर कर रही हो, सारे न्यूज चैनल्स वहां होंगे, उन सब के सामने तुम्हें रंधावा को गोली मारनी होगी, उसके बाद तुम गन पॉइंट पे मुझे वहां से लेके जाओगे और मैं तुम्हें इंडिया से लेके जाऊंगी। सिंपल। आपको ऐसा लगता है कि आप ये सब कहेंगे और मैं कर दूंगा? नहीं। अगली गोली कहां चलेगी ये बताने की जरूरत है। सो टुमारो रंधावा। प्लीज कैरी ऑन। कैसे हो श्री? सर वो आई नो शीना ने मुझे बताया कि कमिश्नर और प्रोफेसर की मौत के बाद तुम काफी डर गए थे। खैर, अच्छा किया कि तुमने शीना को फोन कर लिया। नाउ डोंट वरी, बस एक बार ये लॉन्च हो जाए तो आई विल डिग इनटू हु द हेल इज बिहाइंड दिस। कौन है जो हमारे एक्सपेरिमेंट के बारे में जानता है? तुम डरो मत, अब से तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। शीना? यस सर, मैंने कल से ही 4 बॉडीगार्ड श्री के साथ रख दिए हैं, जो हर वक्त श्री के साथ होंगे। सो बी रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है? यस सर, आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग टू श्री। क्या करना है, कैसे करना है। गुड, देन लेट्स स्टार्ट। श्योर शीना। Good morning, ladies and gentlemen, and welcome. Welcome to the future. We have all assembled here today to witness the carrying forward of Indian technology into the future. And that future is called Anet. High-speed internet, Wi-Fi, 3G,
Everything has become a part of a common man's everyday life. So what is that special factor that makes Airnet uncommon? To answer this question, may I call upon Managing Director Air Calling, Mr. Jairaj Randhawa. Thank you, Sheena. And thank you all very much for being here to share this proud moment with us. और अगर इस स्पीच के एंड होने तक आप सोनू या रंधावा, लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया you will have an internet speed that will download or upload 50 MB of data in a matter of 30 seconds. Do it now. आपने तिलक को भी ऑब्वियसली श्री तिलक आखिरी इंसान था जो तुम्हारी पावर के बारे में जानता था और अब मैं सिर्फ मैं मैम आप शायद भूल गई अगर मैं फ्यूचर देख सकता हूं तो मैं फ्यूचर बदल भी सकता हूं मतलब इतना जोर मत डालिए दिमाग पे अब पहले ही बहुत दिमाग चला चुकी है अगर बचा कुछ अभी खत्म हो गया ना तो जेल की जगह सीधे पागलखाने जाना पड़ेगा इसका मतलब तुम पहले से बहुत पहले से आपको तो बहुत पहले ही पकड़ चुका था मैं क्या कहा था आपने कहाँ हो तुम लोग कहाँ हो तुम लोग अपना ख्याल रखो आपको कैसे पता चला कि तिलक मेरे साथ है और मैं अकेला नहीं हूं शक तो उस वक्त मुझे तिलक पे भी हुआ था लेकिन फ्यूचर में तिलक अपनी मौत देखकर आया था इसलिए मुझे उस पर थोड़ा सा डाउट था लेकिन आप पर मुझे पूरा यकीन हो गया और फिर मैंने ध्यान दिया कि फ्यूचर में कमिश्नर के पास जाने के लिए आप ही ने मुझे उकसाया था फ्यूचर में मेरे जेल से भागते ही आपको पता चल गया मैं जेल से भागा हूं कौन सी कार में भागा हूं और अब आपके असलियत जानने के बाद मैं और कोई चांस नहीं लेना चाहता इसीलिए मैंने सोनू को सब कुछ SMS करके बता दिया कि वो तुरंत कमिश्नर साहब को इन्फॉर्म करे कि उनकी जान को खतरा है और वो अपनी सेफ्टी रखे लेकिन आप भी कम नहीं आपने इस बार गोली तिलक से ना चलवा के इंस्पेक्टर साहब से चलवाई अफसोस इस बार हम आपसे एक कदम आगे थे और कमिश्नर साहब बच गए अरेस्ट तो हम तुम्हें उसी वक्त कर सकते थे शीना लेकिन श्री को लगा कि तुम ये सब रंधावा के लिए कर रही हो लेकिन मुझे शक था कि तुम रंधावा को भी धोखा दे रही हो और तिलक का शक भी कंफर्म करना था जो अगले ही दिन उसे जिंदा देकर अपने आप क्लियर हो गया लेकिन इस सब में सोनू और राजीव आपके कब्जे में आ गए
और जब तक कमिश्नर साहब उन्हें आपके कब्जे से छुड़वा नहीं लेते, मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। एंड बाय द वे, वो दोनों भी सेफ हैं, राइट सर? राइट, उन दोनों को भी छुड़वा लिया गया है। शीना, दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? जयराज रंधावा को धोखा देना। नहीं, जयराज रंधावा को धोखा देकर उससे बच जाना। चाहिए, आपका फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू श्री, आज तुम्हारी पावर ने मेरी और कमिश्नर की जान बचाई है। सो टेल मी श्री, तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? अब सोचना क्या है सर, अब तो देख के आता हूं। Yeah.